दिख ही नहीं रहा। ओ पानी भी नहीं है गाड़ी में। वाह वाह रे, कितना गंदा गाड़ी। हम थोड़े ना किए, रखा रखा गंदा हो गया। सो वेलकम बैक गाइस टू द चैनल दैट इज नाश गवाज। एंड गाइस अभी मैं जा रहा हूँ अपने मॉम को पिक करने के लिए राजनगर टर्मिनल से। और एक्चुअली अभी बज रहे हैं 5 o'clock और मेरी जो माँ है उन्होंने मुझे कॉल किया था 3 बजे कि 4:45 में वहाँ पर पहुँच जाना, जो कि मैं पहुँचा नहीं हुआ अब तक। तो आई जस्ट होप कि ट्रेन जो है वो 15-20 मिनट लेट आए यार, सो दैट मैं टाइम पर पहुँचूँ। और मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ टाटा की टियागो, जो कि ये जो कार है ये बिलोंग करती है मेरे फादर को। एंड बहुत सारे वीडियोस में इस गाड़ी को आप लोगों ने देखा भी रहेगा, बट मैं चलाता बहुत कम ही हूँ बिकॉज पापा की कार है यार, दैट्स वाइज मैं ड्राइव करता नहीं बिकॉज और बहुत दिनों से ये गाड़ी बंद पड़ी है तो सोचा कि ड्राइव कर लो वरना बैटरी ही कहीं नहीं डाउन हो जाए। इसका गंदी भी है बहुत, तो उसको भी साफ करवाने लेके चलेंगे। बट उसके पहले चलते हैं माता जी को राजनगर टर्मिनल से पिक करते हैं। तो गाइस चलिए, एक तो अच्छी न्यूज़ है कि माता जी जो है वो अब तक पहुंची नहीं है, तो डांट तो नहीं पड़ेगा, बच गए। क्योंकि मम्मी की जो ट्रेन है वो सिटी में ही अब तक हॉल्ट है, तो वहां से खुली है, तो 10-15 मिनट लगेगा। ये रहा गाइस अपना राजेंद्र नगर टर्मिनल, बहुत ही प्यारा सा बनाया हुआ है पूर्व मध्य रेल। यहाँ से थोड़ा सा राइट करेंगे तो आपको दिखेगा राजेंद्र प्रसाद जी का एक स्टैचू। ये आ गए अपनी माता जी। कितना गंदा गाड़ी। हम थोड़े ना किए, रखा रखा गंदा हो गया। किसका हुआ इसमें? तुम जानो, पापा गाड़ी है। हा? पापा गाड़ी है। हेलो लेकर आए हो मेरे लिए? अब बोलते बहुत काम है। हाँ तो चलो घर चलते हैं। तो गाइस माता जी को तो ड्रॉप कर दिया और अब चलते हैं सिंह ऑटो डिटेल, जहाँ पे अपनी जो टियागो है उसको मैं थोड़ा धुलवाने वाला हूँ बिकॉज बहुत ही ज्यादा गंदी है यार। तो चलते हैं सीधा सिंह ऑटो डिटेल पे। अब हम लोग पहुँच चुके हैं अभी सिंह ऑटो डिटेल, जहाँ पे अपनी जो कार है वो धुलने वाली है। हमारे साथ हैं तरन, इनका सिंह ऑटो डिटेल है। तो बस ये रहा नया सिंह ऑटो डिटेल 2.0। क्या क्या करवाए हैं अब आप बताइए। हम लोग पूरा इसमें रीपेंट करवाए हैं, फिर मशीनरी टूल्स के नाम का अपग्रेडेशन हुआ है। okay. साथ में लाइटिंग में भी हमने वो हेक्सागोनल शेप में लाइट्स कराई है। वो लाइट्स ना, लाइट सर बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रिल वगैरह भी, टायर वगैरह लटकाया था कि थोड़ा लगे क्या, वो टायर धंधन ड्रिल। ओके बस थोड़ा बहुत, थोड़ा अंदर वो अंदर क्या अंदर में थोड़ा वो ऑफिस को भी अपग्रेड किए हैं। और ऑफिस कुछ मतलब पेंट वेंट हुआ है प्रॉपर आपके यहाँ का ना? वेटिंग एरिया इसको प्रॉपर बना दूंगा, सोफा ऑर्डर के लिए दिया बनने के लिए। तो अभी देखते हैं कि अपनी जो टियागो है वो कैसी दुखती है और कैसी लगने वाली है यहाँ पे। सुबह थी आ रही अपनी टियागो ऊपर वॉशिंग के लिए। कितना ज़्यादा ही गंदा दिख रहा है ये गाड़ी यार, नेक्स्ट लेवल गंदा है। तो अपने टियागो में अभी जो क्लीनिंग होने वाली है उसमें क्या क्या होएगा ये बताएंगे तरन। तरन हेलो भैया, पहले अभी हम लोग पहले इंजन में एयर ब्लो किए, देन उसमें हम लोग वेट वाइपिंग करेंगे हल्का स्प्रे वाटर करके प्रॉपर, ताकि ड्राई क्लीन हो जाए आपकी इंजन वाला जो पार्ट है। देन अभी हम लोग इसके डोर पैनल्स को सारा क्लीन करेंगे, ताकि जहाँ पे डस्ट जो भी डस्ट उड़ती है, डस्ट लग जाती है डोर्स के बीच में, वो प्रॉपर क्लीन होने के बाद देन हम लोग उसके अभी प्रेशर से आपकी वॉशिंग करेंगे, देन उसकी फोम वॉशिंग करेंगे अभी।
और कितना खर्च आएगा इसमें टियागो के लिए? टॉप वॉश का भी 300 है एंड इंटीरियर एक्सटीरियर का मिला करके 500 पड़ता है, जिसमें इंटीरियर में हम लोग फुल वैक्यूमिंग, मैट वॉशिंग, इंटीरियर की पॉलिशिंग, एवरीथिंग करते हैं उसमें हम लोग। पूरा गाड़ी चकाचक करके देते हैं 500 रुपए में। हाँ, 300 रुपए में ऊपर ऊपर जी। अच्छा। हाँ, जिसमें मैट वगैरह सारा क्लीन कर देते हैं हम लोग, ताकि कस्टमर्स भी खुश हो जाएं। 350 खर्च किए भाई, तो कुछ तो मिलना चाहिए उनको, है कि नहीं? अपनी टियागो जो है वो हो रही है अभी क्लीन, और देखते हैं रिजल्ट लास्ट में कि कैसा साफ हुआ है। अपने टियागो की जो वॉशिंग थी वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा गाइस हॉस्पिटैलिटी मिलता है मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर सिंह ऑटो डिटेल पे, क्योंकि बहुत पहले से यहाँ पे काम करवा रहा हूँ और बहुत ही अच्छे लोग हैं जो कि ढंग से काम करते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।